वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करने पर लॉकडाउन में कई लोगों पर पुलिस सख्ती करती हुई दिखाई दी। कहीं मास्क ना लगाने पर चालान काटे जा रहे थे, तो कहीं लॉकडाउन का पालन ना करने पर कुछ लोगों को पुलिस ने अपने डंडे से सीधा भी किया। देश में ओमिक्रॉन के केसेस अब बढ़ने लगे हैं। कोरोना का खतरा देख जो कुछ ढील अभी तक दी गई थी उसे वापस भी ले लिया गया है और पहले जैसी सख्ती लगने लग गई है। अब मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती देख लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। जो लोग लापरवाही से घूम रहे थे उन्हें पुलिस टोक टोक कर मास्क पहनने को कह रही है, लेकिन कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ जाते हैं और झगड़ने लगते हैं। अब आप इस वीडियो को ही देखिए। नहीं, ये वीडियो किसी कुश्ती प्रतियोगिता का नहीं है, ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां बीच सड़क पर पुलिस को धक्का देती हुई इस महिला को जब मास्क ना पहनने पर रोका गया और चालान भरने को कहा गया तो ये महिला गुस्से में तिलमिला उठी और पुलिस वालों से ही भिड़ गई। मास्क ना पहनने वाली महिला ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल को गिराया तो दूसरी महिला पुलिस कांस्टेबल ने जूता निकालकर दे मारा। अब ये देखिए कि बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की से लेकर बात जूता चलने तक पहुंच गई। अब इस पर कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश भारत में जब सभी नियम सभी के लिए एक समान है तो नेताओं की रैलियों में इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? क्यों नेताओं को मास्क ना पहनने पर कुछ नहीं कहा जा रहा? क्या चुनाव के बीच नेताओं को देश की जनता का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? हमेशा एक दूसरे की आलोचना करने वाले नेता चुनाव करवाने को लेकर एक दूसरे के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? दरअसल अगले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से पूछा था कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्या चुनाव तय समय पर होने चाहिए। तो सभी दलों ने सर्वसहमति से तय समय पर चुनाव करवाने के लिए कहा है। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।